आज अल्हम्दुलिल्लाह इदारा रहबर इंसानियत की जानिब से ऑल औरंगाबाद नातुन नबी मुकाबले के फॉर्म का इजरा हुआ। हम तमाम औरंगाबाद के स्कूल कॉलेज मकतब और मदरसे वाले तलबा व तालिबात और इनके ज़िम्मेदारान से गुजारिश करते हैं कि इदारा रहबर इंसानियत की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा ऑल औरंगाबाद नातुन नबी मुकाबला है। इससे पहले भी तकरीरी और नात हमदो नात के प्रोग्राम इदारा रहबर इंसानियत की जानिब से हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे नौनिहाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी आवाज़ अच्छी है, वो नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनगुनाए और अपने अंदर नबी का इश्क पैदा करें। आप तमाम से इदारा रहबर इंसानियत की जानिब से हम ये एक दरख्वास्त करते हैं कि आप इदारा रहबर इंसानियत के तमाम मेंबरान से जो है तो राबता करें। ये फॉर्म जो है तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जिस तरह भी आपको फॉर्म लेना है आप हमसे राबता करें, इंशाल्लाह आपको फॉर्म दे दिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर हमसे जो है तो रब्ता करेंगे तो ये फॉर्म ऑनलाइन भी है, उसकी लिंक हम आपको भेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसके तरफ से इदारा रहबर इंसानियत की जानिब से जो प्रोग्राम है इसके अंदर पहला इनाम साइकिल है, दूसरा इनाम जो है तो सफ़र बैग है, तीसरा इनाम जो है तो स्कूल किट है और इंशाल्लाह तमाम मुसाहिमीन के लिए भी कुछ ना कुछ इनाम रखा जाएगा। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि ये फॉर्म फ्री है, आप तमाम हजरात इसमें जरूर शिरकत करें। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم कि मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे मुझको गदा बना के मदीने में डाल दे। मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे मुझको गदा बना के मदीने में डाल दे मुझको गदा बना के मदीने में डाल दे। कहते रहे बिलाल अली हर मकाम पर निकलेगी मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। कहते रहे बिलाल अली हर मकाम पर निकलेगी मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। ऐसा मेरे सीने में इश्क़े बिलाल दे मुझको गदा बना के मदीने में डाल दे मुझको गदा बना के मदीने में डाल दे। औरंगाबाद के एक मशहूर मारूफ इदारा इदारा रहबर इंसानियत औरंगाबाद की जानिब से एक नातिया मुसाबके का इनेकाद किया जा रहा है। शहनशाह हिंद अबुल मुजफ़्फ़र मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की याद में इस ऑल औरंगाबाद मुकाबला व मुसाबके नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद अमल में आ रहा है। इसमें हिस्सा लेने वाले चाहे वह स्कूल के हो, मदरसे के हो, चाहे किसी मकतब का हो, मैं तो हर एक से दरख्वास्त ये करूँगा कि हर एक ये कोशिश करे इंशाल्लाह कि इसमें हिस्सा ले और अपने आप को इसमें महव करे, अपने आप को इसमें यानी कि खो डाले और इतना इसमें महव हो जाए कि इंशाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे आपको सच्ची और हक मोहब्बत वाला मैं और आप बने उसमें इंशाल्लाह। और इस अमल के ज़रिए से हम सब का मकसद ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, हमारी ज़ुबान बजाए गानों के नात गुनगुनाने वाली बने। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कई सालों से ये अमल जारी है, इस साल भी ये अमल शुरू हो चुका है। मैं तमाम मदारिस के मकातिब के स्कूलों के तलबा तालिबात से दरख्वास्त करता हूँ कि इस इदारे का ताउन फरमाएँ और अपने आप को ग़ुलाम मुस्तफ़ा होने का शर्फ हासिल करें।
ताकि हम भी जैसे कारी सिद्दीक साहब बादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर शेर है, जो पहुंचा हश्र में साकिब फरिश्ते सब पुकार उठे, जो पहुंचा हश्र में साकिब फरिश्ते सब पुकार उठे, मोहम्मद के गुलामों का गुलाम आया। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम सामईन से कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे और हमारे इस हमें हौसला देकर, हमें हिम्मत देकर, हमें इस काम के करने में मज़ीद तकवीत देंगे और हमें आगे बढ़ने का मौका देंगे। दूसरी बात, इस नातुन नबी के ज़रिए से हमारे नौ निहालान में और हमारे बच्चों में नात नबी का पढ़ने का शौक़ पैदा हो, क्योंकि जिन बच्चों को अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से बेहतरीन आवाज़ और गाने की सिफत मिल जाती है, ऐसे लोग गानों की तरफ बढ़ते हैं और वो फिल्मों के गानों को गुनगुना कर अपने आप के गुनाह अपने आप में गुनहगार भी होते हैं और सुनने वालों को भी गुनहगार करते हैं। ऐसे बच्चे जिनको अल्लाह ने आवाज़ में बेहतरी अता फरमाई है और उनमें गाने की सिफत भी है, ऐसे लोग नातुन नबी को गुनगुनाएं, हमदे पाक को गुनगुनाएं और अल्लाह की सिफात को और रसूलुल्लाह की सिफात को अपने ज़रिए से उम्मत तक पहुँचाएँ। इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, इसमें यह फार्म पेश किया जा रहा है, इस फार्म के ज़रिए से आपको ये फार्म भरना है और नातुन नबी में हिस्सा लेना है।